रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की है ये राहें, ऊंचे स्वयमान की है ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये है रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, वे मानव बड़े प्यारे होते हैं जिनके कर्मों में ईश्वर का नूर हो। वे मानव बड़े श्रेष्ठ होते हैं जिनमें ईश्वरीय प्रेम का सरूर हो, और ऐसे मानवों से जरूर मिलना चाहिए, चाहे वे आपसे लाखों कदम दूर हो, क्योंकि ऐसे प्रभु प्रिय मानवों से मिलकर आपके जीवन में एक रोशनी उतरती है। और रूहानी राह कार्यक्रम में हम आपकी इस जरूरत को पूरा करते हैं। ऐसे ही एक कर्मयोगी राजयोगी की जीवन यात्रा और अनुभव को आप तक लाकर, और आज जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं, आप हैं ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में अपनी अथक रूहानी सेवाएं देते ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी सफलता और सहयोग की अद्भुत मिसाल है, और उन्होंने सेवा के जगत में किए बड़े बड़े कमाल है। आइए आज उनसे मुलाकात करते हुए उनसे पूरी तरह से परिचित होते हैं। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, आपका जन्म 12 दिसंबर 1948 में बेंगलुरु में हुआ। धार्मिक परिवार से जुड़े होने के कारण आपके घर अनेक साधु संतों व राजनेताओं का आना जाना होता था। हमारे घर में अधिकांश बहुत साधु संत महात्माएं आते रहते थे, क्योंकि वी वर लैंडलॉर्ड्स, और काफी उस क्षेत्र में हमारा पिताश्री और उनकी फादर उच्चन है, वो सभी पॉपुलर थे। राजनेता भी हमारा घर में काफ़ी आते थे, हमारा ग्रैंडफादर और फादर आदि, उनकी काफ़ी अच्छे कनेक्शन था, और उसके कारण से मुझे एक अच्छे संस्कार का प्रभाव पहले ही ढाला था। धार्मिक परिवार में जन्म होने के कारण शिव योग करते थे, हाथ में शिवलिंग को रख करके पूजा करना, उसको याद करना, ओम नमः शिवाय मंत्र जपना और ओम नमः शिवाय का पाठ पढ़ना, और उसके संबंधित धार्मिक लिटरेचर शरण साहित्य हम कहते हैं, वो शरण साहित्य आदि हम पढ़ना, ये हमारा एक रूटीन अभ्यास था। घर के नज़दीक ही है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में सिद्धगंगा मठ है, एक धार्मिक संस्थान है, वहाँ के स्वामी जी आज भी जिंदा है, उनका आयु करीब 108 ईयर्स है। उनकी मठ में मुझे हाई स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ हॉस्टल में रहे, और उसके बाद में उधर हमारे SSLC एग्जामिनेशन के बाद में मुझे हमारा ग्रैंडफादर बेंगलोर में कॉलेज में एडमिट किया। सन 1968 में जब आप बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आपका ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र से जुड़ना हुआ। वहां दादी हृदय पुष्पा से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शक्तिशाली दृष्टि ने आपको एक अलौकिक खुशी व शांति प्रदान की। जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रवेश किया, वहाँ एक मुझे बहुत गौरव और खुशी की बात है, मेरे ऑफिस में भी उसकी फोटो है, दादी हृदय पुष्पा दादी, वो योग में बैठी थी, परंतु मैं उसका नाम वगैरह मालूम नहीं था, उसका पहचान भी नहीं था, परंतु
उनको देखते ही थोड़े समय के लिए मैं पीछे बैठ गया। वो दादी जी सबको दृष्टि दे रहे थे। करीब 15 मिनट तक उन्होंने कुछ प्रवचन नहीं किया, कुछ बोले नहीं है, परंतु उन्होंने सबको एक तरह दृष्टि दिया। मुझे ऐसा लगा उसके दृष्टि में एक बहुत पावर था, एक खुशी था। उसके चेहरे पर एक लाल लाल जैसे अनुभव हो रहा था शांति का। मैं देखते उसी टाइम में मैंने लगा इस दादी को, हमको दादी के शब्द का इतना भी परिचय नहीं था, परंतु इस बहन वा कहो, दीदी कहो, दादी कहो, वह बड़ी एक माता कहो, और उनके अंदर एक इतनी चेहरे में कितनी खुशी है, वो देख करके मुझे बहुत बड़ी आनंद आ गए। जिससे उन्होंने कोर्स का शुभारंभ किया, आत्मा का परिचय कराया, उसी दिन में मुझे एक अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत सत्ता हूँ, मैं पहले भी जन्म लिया था, अभी भी जन्म लिया हूँ। यदि हमारा इस शरीर को कुछ हो जाए, वह छूट जाए, तो वह मृत्यु हो जाए, वह मैं फिर भी जिंदा रहेंगे, इसका मतलब मैं आत्मा एक अविनाश हूँ। इस बात का मुझे बहुत अच्छा वेरी फर्स्ट डे मुझे रियलाइजेशन हुआ। बाद में इन्होंने परमात्मा को याद करने की विधि सिखा करके एक ज्योतिर्स्वरूप का लाइट का उन्होंने एक सामने रखा था, और देख करके आप उसको याद करना परमात्मा को, वो परमधाम निवासी है, सूक्ष्म वतन निवासी है, और मूल वतन निवासी है, निराकार दुनिया का निवासी है, आदि बातें उन्होंने सुना करके मुझे कॉन्सेंट्रेशन करने की विधि भी बताया और उनको याद करने के लिए। परंतु मुझे आश्चर्य लगा, मैं केवल 10-15 मिनट में मैंने उधर याद करके वो चित्र देखते रहा, लाइट को देखता रहा, मैं बैठ गया, तो मुझे ऐसा लगा मैं कुदे का शरीर ही हो गया, मेरे साथ कोई एक अव्यक्त शक्ति बात कर रहा है, ऐसा अनुभव किया मैंने। वही तीसरे दिन में ये अच्छा अनुभव हो गया। उसके बाद में मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, हर दिन क्लास में आने शुरू किया। उदय पुष्पा दादी मेरे को बगल में बिठा करके कुछ कुछ इंग्लिश में सुनाते थे, और बाद में उन्होंने एक मुझे एक किताब दिया, द रियल गीता। मैं रियल गीता जा कर के घर में पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे आंखों में आंसू आने लगा। माई डियर चिल्ड्रन, माई डियर लॉन्ग लास्ट चिल्ड्रन, माई डियर प्रोजेनी, माई डियर बाबा का एक फर्स्ट पर्सन में बहुत बातें उसमें था। परमात्मा की ये बातें सुन करके मुझे तब कन्फर्मेशन हुआ, ये परमात्मा की महावाक्य के सिवाय किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी ग्रंथों में ब्रदर्स एंड सिस्टर कह सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन कह सकते हैं, वह अन्य विधि से संबोधित करते हैं, परंतु एक माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर लॉस्ट लॉन्ग चिल्ड्रन, माय डियर प्रोजेनी, ये तो बाबा का एक महावाक्य मेरे दिल में ऐसा लगा, ये तो परमात्मा की महावाक्य है। जल्दी ही आपने सेवा केंद्र पर ईश्वरीय महावाक्यों यानी मुरली को प्रतिदिन कन्नड़ भाषा में टाइप करने की सेवा करनी शुरू कर दी, जिससे आपको परमात्म ज्ञान की गहराई समझने को मिली। हिंदी मुरली को कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करके मुझे टाइप करने के लिए देते, क्योंकि मैं एक सर्वज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स भी शुरुआत किया था उस टाइम में। मैंने सोचा मैं अलॉन्ग विथ कॉलेज मैंने टाइपिंग शॉर्ट हैंड वगैरह भी सीखा था, और उसी कारण से मुझे टाइपिंग भी फर्स्ट बैच कनाडा में मैं टाइपिंग करना भी सीखा था उस टाइम में। बाद में ये मुरली टाइप करना शुरू किया। जब से मुरली टाइप करके मैं उसको साइक्लोस्टाइल होता था, साइक्लोस्टाइल करके देते थे, परंतु मुरली टाइप करने के टाइम में मुझे इतना खुशी मिलती थी, क्योंकि वो मुरली टाइप करते सारे मुरली पढ़ना पड़ता था कम से कम एक बार टाइप करने में, दोबारा करेक्शन लगाने में, और इसके कारण मुझे मुरली का महत्व जो है सचमुच उस समय में मुझे रियलाइजेशन हुआ। तब से मैं देख करके मुरली क्या चीज़ है, मुरली परमात्मा की महावाक्य है, मुरली से क्या आत्मक शक्ति मिलते है, मुरली से कैसे तीसरा नेत्र खोलते हैं, मुरली से कैसे मुझे परंधाम का पहचान हो सकता है, मुरली से इस सृष्टि दर्शन हो सकता है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग की कैसे युग परिवर्तन हुआ है और अभी क्या युग है, और इसका सचमुच पूरा रियलाइजेशन मुझे मुरली के माध्यम द्वारा मिला। भले हम क्लास में उसमें उसके बाद में मैं मुरली क्लास के लिए जाना रेगुलर किया,
उससे पहले मेरे रेगुलर क्लास में नहीं जाता था, थोड़ा बीच बीच में कट हो जाता क्योंकि हिंदी के कारण, परंतु कन्नड़ा में जो ट्रांसलेशन करके उसको मैं टाइप करके देता था उसको अनिवार्य मुझे पढ़ना ही पड़ता था दो बार डेली, और पढ़ने के कारण मुझे सारी मुरली का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वो बाबा का ये महावाक्य है, ईश्वरीय महावाक्य है, इसके लिए मुझे क्लास में जाना जरूरी है समझा। मैं तब मुरली जा कर के मुरली पढ़ना शुरू किया, क्लास में जाना शुरू किया। आप 1968 में पहली बार मुख्यालय माउंट आबू आए, जहां संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलकर आपको ये महसूस हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। उसी वक्त आपको ये निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान शिव इनके तन का आधार लेकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो मैंने बाबा को पांडव भवन में आंगन में मिला था, और बाबा को मिलते हुए मुझे ऐसा लगा मैं सचमुच ये अलौकिक बाप है, और बाबा के गोद में गया तो वो इंसान नहीं था, फरिश्ता। उन दोनों में फरिश्ता की परिभाषा हमको मालूम नहीं था, आजकल तो उसकी परिभाषा जानते हैं, परंतु उस टाइम का अनुभव जो था, एक तो बाबा के गोद नहीं था, एक हड्डी की मांस का पुतला नहीं था, एक लाइट का था, वो लाइट का अनुभव किया, मैं अपने आप को भूल गया, कई समय तक मैं भूल गया, और मैं एक अलौकिक दूसरे एक दुनिया में चले गया। ऐसा अनुभव मैंने जिंदगी में हमारा नालौकिक माता पिता के साथ, वह कोई महात्मा के साथ, वह कोई साधु संतों के साथ, वह नेता है हमारे घर में, अधिकांश हर हफ्ता में कोई ना कोई नेता भी आते रहते थे, मैं उन नेता से भी मिलता था, लोग भले बचपन था उस टाइम छोटे थे, परंतु लोगों से मिलना जुलना होता था, परंतु उनमें से किसी में भी वो व्यक्तित्व, वो आकर्षण, वो एक आनंद, एक मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था, वो अनुभव मैंने यहाँ किया, तभी मेरे को ये निश्चय हुआ ये तो सचमुच हमारा अलौकिक पिता है। और एक शिव बाबा इनके तन में आकर के जो सुनाते हैं, मुरली सुना रहे, तो ये हमारा सचमुच आत्मिक पिता है, ये जन्मांतर के पिता है, और इस पिता से मुझे वर्षा लेना है, मुझे वो कन्फर्मेशन हो गया एक अनुभव, और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी जिंदगी, और उसके बाद में मैं मुड़ के नहीं देखा। करीब एक सप्ताह मेरा जीवन एक ऐसी अलौकिक जीवन अनुभव किया, आज भी वो याद करें तो भूल नहीं सकते हैं, वही हमारा जीवन की एक मोड़ कहो, एक परिवर्तन की विधि कहो, एक नया सिद्धांतों पर विश्वास करने की एक आस्था डेवलप किया। अव्यक्त बाप दादा की पालना में पलते हुए 1971 से आपने कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर संस्था के सेवा केंद्र खोलने शुरू किए। इसी दौरान अनेक राजनेताओं व गणमान्य व्यक्तियों को संस्था के कार्यक्रमों में लाने की सेवा भी आप करते रहे। 1978 में कर्नाटका विधानसभा में एक सम्मेलन भी आपने आयोजित करवाया। कम अव्यक्त मुरली के लिए बरस में कम से कम 6-7 बार मैं मिनिमम आता था, किसी न किसी बहाने से लेकर के उसका अव्यक्त पालना मुझे काफ़ी मिली, और अव्यक्त पालन के बाद में अव्यक्त मुरली की पालना मिली, और रेगुलर साकार बाबा का मुरली तो हम पढ़ते थे सुनते थे, और उसके सिवा बाबा ने अव्यक्त मुरली में मतलब उन दिनों में पहले हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलते थे, उसके बाद में जो मेडिटेशन हॉल बना, मेडिटेशन हॉल में बाबा लंबे समय तक बाबा रात को 6:30-7 बजे से लेकर के सुबह 4-5-6 तक बाबा मिलते थे, और उसके बाद में बाबा ने काफ़ी सेवा के लिए प्रेरणा दिया। उन दिनों में केवल सारी साउथ इंडिया में एक ही एक सेवा केंद्र था, हम लोगों को एक संकल्प किया हम लोगों ने, हम तो विनाश का पहले जितना भी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, कम से कम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सेवा केंद्र होना चाहिए, एक आश्रय होना चाहिए, बाय चांस कोई भी घटना घट जाए उन दोनों में एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आश्रय के रूप में
हो सकता है ऐसा करके हम लोगों ने प्लान बनाया। मैं तब से लेकर के 1971 से लेकर के ईश्वरी विश्वविद्यालय के केंद्र खोलने में हम लोग एक प्लान बनाते, एक हर दो मास में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा कर के एग्जीबिशन आयोजन करना व कोई ना कोई प्रोग्राम आयोजन करना, कोई ना कोई उन दिनों में छोटे प्रोजेक्टर होता था, प्रोजेक्टर ले जाकर के प्रोग्राम करते थे, बाद में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते थे, बाद में कोई ना कोई मकान लेकर के उधर कुछ सेवा की शुभारंभ किए। मुझे खुशी की बात है बिफोर 1976 के पहले कर्नाटक की हर डिस्ट्रिक्ट में सेवा केंद्र खुल गया था। बाबा की एक मेहरबानी थी, वह बाबा के आशीर्वाद था, वह बाबा की एक हम लोगों को बच्चों को हमने बाबा कहते ना हिम्मत थे बच्चे मदद थे बाप, आप एक कदम आगे रखो मैं 100 कदम 1000 कदम ले जाते, ये तो मेरे जिंदगी के कदम कदम पर बाबा ने अनुभव कराया। हम केवल निमित्त बनते थे व हिम्मत रखते थे, परंतु हिम्मत की शक्ति व उसका साहस व उसकी योजना और उसकी कैसे सफल करना ये सभी बाबा ने कराया और कराते रहे। उसका अनुभव हम बच्चों के लिए एक आगे के लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत बने। उसके बीच में हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजन करना, कभी सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को, गवर्नर को आदि आदि इस इंस्टीट्यूशन में बुलाने के लिए मैंने शुरुआत किया। ड्रामा और बाबा की मदद से उसमें काफ़ी सफल मिले, बहुत गवर्नर लोगों को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ले आए, बहुत मुख्यमंत्रियों को भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में लेके आए। और उन दिनों में बीडी जत्ती पहले हमारे कर्नाटक में मंत्री थे, बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, बाद में गवर्नर बने, बाद में उपराष्ट्रपति बने। उनको उन सभी पदों के समय पर उनको ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में और ले आने के लिए माउंट आबू तक ले आने के लिए भी निमित्त बने थे। मैं 1978 में एक बेंगलोर में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस किया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल, वो विधानसौधा बैंकवेट हॉल में किया था। एक बहुत खुशी की बात है विधानसौधा बैंकवेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम करना बहुत प्रेस्टीजियस है। उन दिनों में कोई भी विधानसभा के अंदर जाना ही मुश्किल था, फिर भी उसके अंदर बैंकवेट हॉल में एक बड़े कॉन्फ्रेंस उन दिनों में दादी प्रकाशमणि जी, जगदीश जी, निर्भर भाई जी सब आए। उन्होंने देख करके बहुत खुशी हो गई, इन्होंने बोला ऐसी स्थान पर एक प्रेस्टीजियस साल में उसमें उस तत्कालीन गवर्नर भी है और बहुत चीफ मिनिस्टर भी है और सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी, ऐसे ऐसे लोग आए थे। संस्था के वरिष्ठ राजयोगी भ्राता जगदीश जी द्वारा लिखित साहित्य ने आपके जीवन में एक अनोखी छाप छोड़ी। 1976 में दिल्ली में जगदीश जी ने मेरे कुछ समय के लिए बुलाए थे, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कॉन्फ्रेंस था। उस समय मुझे 4-5 मास भाई साहब को साथ रख कर के उनके सहयोगी बन कर के उनकी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस सब करने का मुझे मौका मिला था और उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और साथ साथ में मुझे सबसे पहले जगदीश जी की जो किताब है, जो भगवद गीता रियल गीता, और उसके बाद में माइंड मैटर एंड सोल की किताब है, अन्य बहुत किताब है उसकी, मैंने किताब इनके इंग्लिश किताब मैंने पढ़ा हूँ और उसके उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और उसके उनके साथ मुझे काफ़ी कुछ इंडिया में भी ट्रैवल किया हूँ, कुछ कर्नाटक में काफ़ी स्थानों पर उनके साथ मैंने ट्रैवल किया हूँ। ये फर्स्ट टाइम जब विदेश में गए थे 1972 में, उसके बाद में आफ्टर 1 ईयर इन्होंने इंडिया में आने के बाद में बेंगलोर में आए। बेंगलोर में हम लोग 8 दिन उनको रोज़ कम से कम 4-5 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे और उनको अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर में, इकोनॉमिक फोरम्स में और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में व अनेक नेशनल कॉलेज में और भी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज किया था। और उनके साथ मैं जाता था, उनको साथ लेके मैंने उनकी वक्तव्य भी सुनता था, इसकी इतनी प्रेरणा स्रोत होते थे वो। और मुझे एक 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 बात याद आ रहा है, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक बहुत साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में वक्तव्य दिया था। उस समय में काफ़ी बड़े नामी ग्रामी साइंटिस्ट उधर उपस्थित थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसने इतनी एग्जाम्पल दे करके समझाया,
वहाँ कई लोग साइंटिस्ट आकर के जगदीश जी से मिल करके इतने खुश हो गए, उसको थैंक्स दिया और आपको इतनी कहाँ से अध्ययन किया साइंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, चलो फिर भी अलग बात है, परंतु फिर भी साइंस की सब्जेक्ट को कोरिलेट करके इन्होंने एक ऐसी कन्विंस किया था, मुझे याद है, और मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली। में आप माउंट आबू में पहले यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में सहयोग देने के लिए लंबे समय तक रहे। सम्मेलन के बाद संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के अनुरोध पर आपने मुख्यालय मधुबन में रहकर ही ईश्वरीय सेवाओं में योगदान देने का निर्णय ले लिया। में एक मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में फ्यूचर में 93 में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस इधर करने के लिए प्लानिंग किया। तब तो निर्वर जी ने कहा, उनका मेरा एक ऑर्गेनाइज और सफलता का एक कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में देखा था, विधानसभा बैंक्वेट हॉल में। तब तो उसने कहा था, आप इधर आकर के प्रोग्राम में मदद करो व सहयोग करो व इधर आ करके सेवा करो। मैंने सोचा चलो इस मौका अच्छा है, एक बार 5-6 मास की बात है, मैं रह कर के इधर सेवा करने के लिए आरंभ किया। परंतु मैं सेवा तो बहुत अच्छी हुई है, 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल पीस जो हुआ था, उसमें डॉक्टर रॉबर्ट मुलर आए, जेम्स जो उसके बाद में जेम्स जोना भी आए थे, और दलाई लामा आए, और भी काफ़ी मिनिस्टर, करीब 124 मीडिया पीपल आए थे। हम लोगों ने PTI UNA का टेलीप्रिंटर लाइन भी लगवाए थे, माना इसका बड़ी हिस्ट्री है। तब से एक पहचान बन गया इंस्टीट्यूशन का पहचान, VAPs का पहचान। मैं कॉन्फ्रेंस होने के बाद में कच्चा हो गया, मैं दादी से पूछा, दादी मैं वापस बेंगलोर में जाऊं। दादी ने कहा, क्यों जाना चाहते हो, क्यों आपको मधुबन अच्छा नहीं लगता है क्या? मैंने बोला, मधुबन अच्छा लगता है परंतु इधर की दंडी अच्छा नहीं लगता है, मैंने बोला। दादी ने कहा, मुस्कुराते हुए दादी ने कहा, देखो आप तो उम्र इतनी छोटे हैं, और दादी जी कभी ठंडी में ये नहीं सोचती है मैं जा कर के दूसरी जगह में चले जाऊँ, बॉम्बे जाओ व अन्य स्थानों पर जाओ। दादी भी इस उम्र में भी ठंडी में इधर रह कर के सेवा करती है ना, आप तो जवान हैं, ऐसा बोली। मेरे को तब से लेकर के ठंडी भाग गए। मैंने बोला, सचमुच दादी की इस उम्र में कभी ये नहीं सोचती मैं ठंडी में, और मैंने देखा है दादी ठंडी की हो गर्मी की हो रोज़ कभी अमृत वेले नहीं मिस करते थे, और साथ साथ में अमृत वेले क्लास में भी मॉर्निंग क्लास में भी आते थे, और इसके सिवाय दोपहर में भी शाम को भी दादी मुरली पढ़ते थे, और बहुत बातें हैं। मैं दादी के साथ इंटरेक्ट बहुत किया, उनकी पालना लिया हूँ। दादी प्रकाशमणि को मैं कर्नाटक और भारत के विभिन्न स्थानों पर उनके साथ यात्रा किया हूँ, मैं प्लेन में यात्रा की हूँ, हेलीकॉप्टर में यात्रा की हूँ, छोटे प्लेन में यात्रा की हूँ, कारों में यात्रा किया हूँ, वो सभी संस्मरण बहुत बड़ी लंबी है। परंतु उन दिनों में दादी के साथ रहने का जो अवसर मिला उसके बाद में, और दादी कोई भी मुरली में बड़ी बड़ी बात आती तो दादी कहते थे, मृत्युंजय आज बाबा ने ये कहा है, आप कैसे करेंगे, इसका प्लान बनाओ, दादी कहती थी, मेरे को याद है। इसके लिए दादी हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रही, और नॉट ओनली प्रेरणा, उसका शक्ति हम लोगों को मिलता था, और उसके अंग संग में रहने का मुझे मौका मिला, और उनके साथ यात्रा करने का मौका मिला। माउंट आबू में समर्पित जीवन जीते हुए आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के अति विशिष्ट लोग संस्था की सेवाओं के साथ लगातार जुड़ते गए। देश विदेश के अनेक स्थानों पर भी आप मूल्यों की स्थापना के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलनों आदि में समय प्रति समय भाग लेते रहते हैं। उसके बाद में करीब 5 यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूस भी चले, उसमें ऑस्ट्रास की, यूनाइटेड नेशंस की, अन्य अधिकारी SR इंसान आली दी, देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसके सिवाय भारत के अनेक मंत्री,
भारत सरकार के मंत्री लोग, वाजपेयी भी उस समय में अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, वो आए। उसके बाद में नरसिम्हा राव एक 93 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पधारे, और वेंकटरामन आए। वेंकटरामन भी वाइस प्रेसिडेंट थे, और उसके पूर्व में बी डी जत्ती भी एक बार आए, उससे पहले भी 93 में। उसके सिवा और भी बहुत ज्ञानी जेल सिंह जी आए, ज्ञानी जेल सिंह, और अन्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग भी माउंट आबू तक पहुँचे। और उसके बाद में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हम लोगों ने आयोजन किया। अभी तो डायमंड जुबली की मेमोरियल ही डायमंड हॉल जो बना हुआ उसका मेमोरियल है, उसमें काफ़ी विशेष भारत सरकार के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा और तत्कालीन राष्ट्रपति उपस्थित थे। उन्होंने एक ही दिन में दो दो प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति दोनों आए। मेरी दादी और निर्भय भाई जी की प्रेरणा से मैं 1986 में करीब 11 कंट्रीज़ का पहले टूर गया था। वह एक वर्ल्ड टूर ही रहा। उसमें पहले मैंने सिंगापुर गया, सिंगापुर से जापान गया, जापान में भी टोक्यो और ओसाका, कोबे आदि स्थानों पर गए। उधर अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया था। उसके बाद में मैं लॉस एंजलिस गया, वहाँ विशेष करके एक फिल्म बनाया था ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन के बारे में। उसका मैंने स्क्रिप्ट एडिटिंग करने के कारण मैं वहाँ एक फिल्म क्रू ने इनवाइट किया था, उधर गया था मैं लॉस एंजलिस में। और वहाँ के बाद में सी बीच में गया, सैन फ्रांसिस्को गया, न्यूयॉर्क गया, वाशिंगटन गया, और भी अनेक स्थानों पर अमेरिका में होकर गया। आप संस्था के शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं। आप वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं, और देश की 10 यूनिवर्सिटीज में इस तरह के अनेक कोर्सेज चला रहे हैं। स्कूल टीचर्स व विद्यार्थियों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए आप हर साल अनेक सेमिनार भी आयोजित करते हैं। मेरे जीवन में सबसे बड़े चैलेंजिंग टास्क माना एक वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को यूनिवर्सिटीज में लागू करने की बात थी। बाबा की मदद से व भाई बहनों के गुड विशेष से, हमारा दादी प्रकाशमणि जी के गुड विशेष से ये बात सक्सेस हुई। अभी इस प्रकार के लगभग 10 विश्वविद्यालयों के साथ MOU करके हम लोग वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को एक तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्स आयोजन कर रहे हैं। मैंने सेंट्रल स्कूल के करीब 900 टीचर्स की ट्रेनिंग माउंट आबू में ऑर्गेनाइज किया। नवोदय स्कूल्स के सारे इंडिया में अलग अलग प्रोग्राम किया। वैल्यू एजुकेशन वाज अ बिग चैलेंज एंड नाउ वी आर सक्सेसफुली कंडक्टिंग इन अबाउट 10 यूनिवर्सिटीज। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट गोज टू द क्रेडिट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर एजुकेशन विंग। टीचर्स का दर्शन मना मंदिर का मूर्ति का दर्शन हो गया, शिक्षकों का दर्शन मना ज्ञान का दर्शन हो गया, शिक्षकों का मिलन मना एक स्नेह का मिलन हो गया। संस्था की वरिष्ठ दादियों को यूनिवर्सिटीज के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दिलाने में आपने अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम शिक्षा प्रभाग की सेवा करते करते हमको हमारा आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को डॉक्टरेट उपाधि दिलाने में हम सफल रहे। तत्काल डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की चांसलर थे, मैंने उनको सुझाव दिया, उन्होंने कुछ ही दिन के अंदर उस सुझाव को स्वीकार करके उसको डॉक्टर। ऐसी जानकी दादी को और वैजाग में गीतम यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट दिलाने के लिए सफल रहे, और हमारा दादी रतन मोहिनी जी को उलबर्गा विश्वविद्यालय के माध्यम द्वारा डॉक्टरेट दिलाने में भी सफल रहे। और मुझे विश्वास है आगे चल करके देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालय ईश्वरीय शिक्षा को व आध्यात्मिक शिक्षा को व स्पिरिचुअल एजुकेशन को, योगा एजुकेशन को एक स्थायी रूप में करिकुलम के माध्यम द्वारा डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करेंगे।
ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी का निर्मल व सेवामयी जीवन सर्व को मूल्य आधारित जीवन जीने की राह दिखाता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी से। दोस्तों, रूहानी राहों के योगी मृत्यु के भय से ऊपर हो जाते हैं और उनके पावन कार्यों के द्वारा उनकी सदा जय होती है। और आप सभी के लिए हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से और उसकी धारणा से आपकी सदा जय हो, आपकी विजय हो। मन जीत सो जगत जीत बनाती हैं रूहानी राहें, आपको मन भाते मुकाम तक ले जाती हैं रूहानी राहें। इसीलिए तो हर सप्ताह आप तक आती हैं रूहानी राहें। फिर होगी आपसे मुलाकात। ओम शांति, नमस्कार।